Based on the award-winning video game of the same name, The Last of Us is a brand new series on Disney Hotstar. It explores the relationship between Joel and Ellie, two characters who form a strong bond as they travel through the dangerous post-apocalyptic world. Here's my top 5 reasons to watch The Last of Us series. After watching an episode, when you come back to your reality, you'll start appreciating your life. मतलब जैसी भी लाइफ है अच्छी ही है, एटलीस्ट इनसे तो अच्छी है. मतलब लाइफ के प्रॉब्लम्स इतने छोटे लगने लग जाते हैं ना. फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट हाफ में इतना कुछ हो रहा होता है, नॉर्मली किसी सीरीज के पूरे फर्स्ट सीजन में इतना एक्शन नहीं होता. सो द सीरीज रिवॉल्व्स अराउंड जोएल, अ सर्वाइवर, एंड एली, हु मे होल्ड द की टू सेव ह्यूमैनिटी. बोथ द कैरेक्टर्स आर वेल रिटन, विद जोएल प्लेड बाय पेड्रो पास्कल एंड एली प्लेड बाय बेला रैम. See, if you've seen Game of Thrones, these two need no introduction. मतलब इन्होंने already हमारे दिल में अपनी जगह बना दी है, घर बना दिया है. And after watching this series और इस performance को देखकर तो मतलब जो दिल में जगह बनाई थी उसमें home decor भी हो गया. Interstellar is at the top of my list when it comes to father-daughter on-screen connection. उसके बाद अगर कोई film या series आई है जिसमें father-daughter bonding को इतने बेहतरीन ढंग से लिखा या perform किया है, वो है ये. Well, she's not his biological daughter, but the father-daughter bonding they share in this series. मतलब उसे देखकर ना दिल भर जाता है. कितने सीन्स ऐसे होते हैं ना जिसमें या तो सिर्फ जॉयल होगा या तो सिर्फ एली होगी, एंड आई एम लाइक दोनों को साथ में लाओ. लाइक वी क्रेव फॉर द सीन्स जिसमें दोनों होते हैं. मतलब दुनिया खत्म हो रही है, लोग मर रहे हैं, ज़ॉम्बीज अटैक हो रही है, और इन सब के बीच हार्ट शैटरिंग लव स्टोरी ऑफ बिल एंड फ्रैंक. ये एपिसोड ना इंसेप्शन की तरह था. मतलब एक वर्ल्ड में कुछ दूसरा ही वर्ल्ड चल रहा है, एंड वी जस्ट लव्ड इट. एंड लास्टली, वॉच इट बिफोर इट्स गॉन. डिज्नी हॉटस्टार से 31 मार्च 2023 से सारे HBO कंटेंट निकल जाएंगे. यू ओनली हैव अ वीक टू वॉच दिस सीरीज, तो जल्दी जाके देखो और ये चैनल सब्सक्राइब कर देना.